अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। रात हमारा स्टे था ग्लैम्प में। लिटरली मुझे इतना फोबिया हो चुका था ना ऊंचाई से कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं आपको विजिट करवा देती हूँ ग्लैम्प। तो ये रहा हमारा ग्लैम्प। ये बेड है, हालत देख ले सुबह, मतलब ऑब्वियसली अभी भी सोकर उठे। ये देखो ये व्यू। बेसिकली पीछे डेजर्ट है तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये हमारा ग्लैम्प था और बहुत ही खूबसूरत, इवन के रात को भी इतना खूबसूरत व्यू था ना बाहर, इतने प्यारे प्यारे स्टार्स और वो जो सामने माउंटेन है जिसमें स्नो गिरी हुई है, बाशु मेडूज है सामने, उसमें स्नो थी और रात को इतना खूबसूरत लग रहा था ना। बस कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि थके हुए बहुत थे और मोबाइल भी चार्ज नहीं था, तो इसकी वजह से। इधर से ही हम लोग आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। चल चल के पाओ, स्मेल आने लग जाती है ऊपर से रात को जैसे हम आए। मत याद करा मुझे अरूज, तो फुल टाइम रोने वाली। ओ हो हो, सामने से आई थी, ओ नीचे से ना, नीचे से ऊपर आई थी स्ट्रेट। वो भी लाल टोपी वाला घर दिख रहा है। कैसा लगा आपको स्टे? मुझे तो बड़ा पसंद आया यार। सो गाइस, ये था हमारा आज का स्टे। देख लो यार, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा सोफा, ये अरूज थी मेरे साथ, वहाँ पे हुरैन थी, ये सारा है हमारा व्यू। तो मैं भी बता दूं, मेरे बताने में और आपके बताने में बहुत फर्क है, ठीक है। वॉशरूम दिखाया आपने, ये देखे गाइस, यहाँ पे मैंने हाथ मुंह धोया, सर धोया। ये एंटीक चीज है, ये नहीं आपने कभी देखी होनी। एक्चुअली यहाँ से आता पानी, वो आ गया, आ गया, आ गया। बहुत ही एंटीक टाइप का इन्होंने वॉशरूम भी बनाया, डिफरेंट, मतलब कि एक होता है ना सिंपल सा नहीं, लेकिन इन्होंने एंटीक से बनाया। यहाँ पे भी इन्होंने एक ये जो लकड़ी होती है उसका काम भी कंप्लीट किया हुआ है। काफी अच्छा है, इन्होंने सेटअप सूटअप बनाया हुआ भाई। ये देखो ग्लैम्प वाले हैं, ठीक है, प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। ये ना समझना, इन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दिया। देख लो ये है ग्लैम्प, पैकिंग चेकिंग करके मैंने रख ली थी। हुरैन है एक्चुअली उन लड़कों के पास, ये था लड़कों का कमरा, अरूज ने पैकिंग किया। इनका बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, ये सारा डेजर्ट है, ठीक है। ऊपर जाके भी मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए आपको, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ यार, भूख बहुत ज़्यादा लगी है और टाइम भी शॉर्ट है, क्योंकि हमने निकलना आगे देवसाई के लिए। शोसर टेक बड़ा पानी सारा कुछ कवर करके आज हमारा जो है स्कर्दू का सारे के सारे पॉइंट्स हो जाना, लेकिन हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा रूज का, एक तो खपलू और दूसरा मसरूर रोक, जिस पे क्योंकि मसरूर रोक रूज कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, उसको पता है ना, उसके वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो थोड़ा सा वो डेंजरस एरिया है, तो एरिया उस पर ड्रॉक पे। तो वैसे भी रूज ने ना मुझे जाने देना था ना खुद जाना था, इस वजह से हमने वो स्किप किया बीच में से, और डेजर्ट पे जो है हमने नाइट स्टे कर लिया था। ये हमारी गाड़ी और ये हमारी जीप करके, यहाँ पे फिलहाल हमने बैग रख दिए, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ भाई, शशके हमारे लादा है, क्यों नहीं इधर होगा यार, इतने पैसे खर्च के रात को हमने स्टे किया है यहाँ पे, तो क्यों ना हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी इंजॉय करें। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। अच्छा, इसका भी इंटीरियर जो है ना ऑलमोस्ट उन्होंने वैसे ही रखा हुआ सारा। यहाँ पे हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट, दो एग फ्राई थे, साथ में रूज बैठी थी, रैन बैठी थी, और यहाँ पे हमारे जितने भी बॉयज हैं सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री और फ्री में। और यहाँ पे हम निकल चुके थे देवसाई के लिए, जिसके रास्ते में आती है एक खूबसूरत झील जिसका नाम है सतपारा लेक, और इस खूबसूरत झील का नाम हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हसन सतपारा के नेम से इंस्पायर होकर रखा गया। लो जी, फाइनली हम लोग पहुँच गए सतपारा लेक। ये है सारी की सारी सतपारा लेक, इट्स अमेजिंग प्लेस। और इससे आगे आता है डैम, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आता है सारा इसी डैम से पानी आती है, जिसका जरिया है ये पानी। भाई आज तो हुरैन भी तंग कर रही है, क्यों भी हुरैन? ये आपने भी देखना है सतपारा लेक, देखनी है। नीचे बॉयज है, एक जीप है, उसका वेट कर रहे हैं, वेट वो जैसे ही आ जाएंगे तो उनको सतपारा लेक करवाने के बाद जो है हम लोग निकलेंगे आगे। पर हमने जाना ऑलमोस्ट वो सामने इन पहाड़ों को क्रॉस करके वो लास्ट तक जाना है। हाँ, जाओगी कहाँ? वो लास्ट तक, वो लास्ट तक। हाँ, जाएंगी। हाँ जी भाई, कैसी लगी लेक? यार ये तो अताबा जैसा ही है तकरीबन के नहीं। हाँ, लेकिन उसका जो कलर है वो ब्लू में आता है। ये बड़ी प्यारी है। हाँ, आपको हुजी पी रहे मेरा बच्चा माशाल्लाह। और इसके बाद हमने देवसाई नेशनल पार्क की टिकट बाय की, जिसकी प्राइस थी 300 पर हेड, क्योंकि शोसर लेक जाने के लिए हमें देवसाई प्लेन्स की टिकट बाय करनी ही थी। कितने का? सर जी ये 40-45, कोई
बारह पंद्रह वाला बताओ ना यार। बारह पंद्रह वाला की जरूरत है। और यहाँ पे हम लोग अपनी मंजिल की ओर निकल चुके थे, खूबसूरत सी वैली से क्रॉस कर रहे थे, तो दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सामने रहा हमारा देवसाई नेशनल पार्क, जिसे कहा जाता है माउंटेन की छत। अंकल ने तोहफा दिया, मेरा बड़ा वाला है ये देखो। लड़ाई हो रही है दोनों की। ये ज्यादा मजे का। अच्छा भाई, अभी हम लोग खड़े हुए हैं देवसाई प्लेन्स में। ये सामने है देवसाई प्लेन सारा। वो वाला गाना सुना हुआ आपने, बदल ही आ गए जमीन ते, बदल बाकी जमीन पे आ गए। मुझे बादलों को हाथ भी लगाना। बादल ऐसे लाइक वैसे ही है जैसे फॉग होती है, लाइक ऐसे फील होता है, फॉग की तरह ही होता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। मैंने सुना था गीले होते हैं, रेड पॉइंट है। फॉग देखिए, फॉग भी तो गीली होती है। हाथ गीला हो जाता है। नहीं अब ऐसी भी बात है, हाँ पानी है ना, जैसे पानी उड़ रहा है, बादल को हाथ लगाओगे बादल गीला हो जाएगा। सुना था मैंने, बताया वो। इन्होंने तो उसको भी बटोका वाटरफॉल में भी टैंकी बिठा दी थी ऊपर, ऊपर टैंकी लगा दी थी मोटर समेत, के बटोका वाटरफॉल की टैंकी मोटर से चल रही है। अच्छा इधर ना स्पेशल है एक नेशनल देवसाई का, बताता चलूँ के ब्राउन बियर, लेकिन वो निकलते हैं शाम के टाइम में। इन केस अगर इनके नसीबों में हुआ ब्राउन बियर देखने का, तो लाइव वो भी, और वो हमला भी कर देते होते हैं। मुझे भी लगा बियर दिख गया। आज ये बेगम, तो सर्दी तो लगेगी। फाइनली हुरैन हमारी जो है शोसर लेक तक पहुंच चुकी है। सज्जी बहुत ज्यादा है, बाबा ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पे थोड़ी सी। सर्दी लग रही है लेकिन वो नहीं कर रही है, रूज कर रही है, बल्कि रूज करके देखो। हाँ जी मजा आ रहा है। हाँ हाइट जो है इसकी अच्छी खासी हाइट है यार। हम इस टाइम जो है कि दुनिया की जो है छत पे चल रहे हैं फिलहाल तो। हाँ जो साफ सी बात बताऊँ, पाकिस्तान की कह लो या वर्ल्ड की कह लो, छत पे हम चल के ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे। और ये रही वो खूबसूरत झील जिसका नेम है शोसर लेक, जिसकी हाइट तकरीबन 13,590 फीट है। और यहाँ पे हमारी बैटरी लो थी, जिसकी वजह से हमने जस्ट कुछ ही शॉट्स बना पाए। हाँ ड्रोन होता देन ड्रोन शॉट एक अच्छा कवर कर लेते, बट नहीं था। जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो आपको एक अच्छे अच्छे क्लिक्स चाहिए होते हैं यार, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक बेस्ट और प्रोफेशनल कैमरा मैन लाजमी रखो, वरना वीडियो से तो पता चल ही रहा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। और यहाँ एक दोस्त ने एक अच्छी सी वीडियो कैप्चर करके मेरा दिल बाग बाग कर दिया और मेरा दिल मुतमिन और खुश हो गया। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं वापसी के लिए, देवसाई नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए स्कर्दू की तरफ। देवसाई में हमें एक खूबसूरत सा सनसेट मिला, और एक ख़तरनाक सी बात होगी, स्नो शावर भी होने लग गया था, जिसकी वजह से हमें उधर ही वेट करना पड़ा, क्योंकि रोड्स की कंडीशन जो थी बहुत ख़राब हो रही थी और कोहरा जम गया था एक टाइम के लिए। तो ये लगा कि हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हुरैन को और रूज को देख के हिम्मत नहीं हारी मैंने, मैंने कहा यार वापस जाने जाना, और यहाँ पर देख लो आप लोग कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है भाई। और यहाँ पे बज रहे थे रात के 3, तो सोच लो रात के 3 बजे आपका कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बार बार नोक करे, और आपके रूम के बाहर कोई लेटा हो सोया हो, और आप यार यहाँ पे मैं भी हूँ ना, तो मैं भी एक टाइम के लिए शॉक्ड हो जाऊँ। तो यहाँ पे हमारा होता है प्लान स्टार्ट, सबसे पहले मुनीब ने नॉक किया, यहाँ पे भी स्टार्ट में ये फील हुआ कि कोई उठा है, लेकिन किसी ने डोर ओपन नहीं किया। फिर आया फैसल ने नॉक किया, देन तब भी बस कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मुनीब आया, मुनीब ने जब इतने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, तो ऑब्वियसली कोई भी शॉक्ड हो जाए, यार रात के 3 बज रहे हैं, मैं भी शॉक्ड हो जाऊँ। क्या हुआ?
सो रहा है? हनी क्यों मजाक सोच रही है? यहाँ पे इनके साथ हो चुका था प्रैंक, लेकिन प्रैंक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे के देखो होता है क्या इस टाइम। लाइक इनके साथ इस तरह का प्रैंक हो गया था कि सुबह तक ना सोए नहीं थे, पूरी रात जागे रहे। कह रही थी कि इनमें से किसी ने शरारत की, मैं कह इनमें से तो कोई भी नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या और भी है, इनमें से किसी ने शरारत कर, कहते इधर से भी बाहर आए हैं उधर से भी हैं, लेकिन कोई भाग गया इधर। मैं कह मैं तो नीचे डाइनिंग में बैठ के अपना हिसाब कर रहा था, अभी इस टाइम वो लोग जाग रहे हैं कमरों में। मैं ना अभी कैमरे लगे, मैं कह हाँ, कहता मैं भी इनका आई पी एड्रेस चेक करता हूँ, खतरनाक तो मैं भी वाईफाई से कनेक्ट कर। और यहाँ पे इमेजिन कर लिया जाए कि एक चुड़ैल ने घुंघरू पहने हुए, घुंघरू तो थे नहीं यार, ऑब्वियसली चनचन की आवाज लानी थी, तो कप और वायर से काम चलाया जो कि परफेक्ट साउंड एक निकाल रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं लुलु सर लेक पर। हेलो, क्या हुआ था? क्यों बुलंद सो रही है? लो जी, इस टाइम अरूज फुल टाइम आवाज़ आ रही है ट्रैवलिंग कर करके। डू जो है वो फिलहाल नाराज़ हुई हुई है, पता नहीं किस बात पे, होटल जाके देखते हैं किस बात पे नाराज़ है। पता तो है मुझे लेकिन बताना नहीं चाहता। मैं भी व्लॉग में आऊँगा भाई। हाँ आगे हो, ये लो, ये भाई इन्होंने मुझे भी थका दिया, सुबह 7 बजे उठा के ड्राइवरी करवा। आप पहले ये क्या कह रहे हैं, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती? सॉरी सर, आईंदा नहीं। हाँ फेंक दिए इसे, शाबाश। नहीं पीला, ये हमारे कैप्टन है भाई। पूरा स्कर्दू का जो ट्रिप है वो इन्होंने ही करवाया हमें, इस्लामाबाद से लेके जो है स्कर्दू तक का सफ़र हमने इनके साथ ही किया। अभी फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं इधर लुलु सर लेक पे, सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट्स पहने हैं इधर, ये देख लो मैंने अपनी तरह से चलास में पहन के आया था सुकून से, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, शॉर्ट्स पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है सर्दी बहुत ही ज़्यादा वाली। यार ये देख लो, ये आलू छोले खाए जा रहे हैं इधर। कैप्टन है, उठ जा यार, की सोच के पाया तू खटिया जिया, नहीं हले नहीं जा रहा। जो हां, भी मजा आया ट्रिप का? मजा आया और अच्छा लगा, मजा आ रही है। और आपको? बहुत मजा आया आपके साथ ट्रिप का। हाय, हां जी, तो अनु मजा आया केड़ी गल दा हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਨਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਲੋ। ਇਹ ਕੀ? ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮ ਲੋਗ ਹੈ ਨਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਆਪਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੇ? ਪਾਏ ਹੋਤੇ ਨਾਨ ਹੋਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਧਰ ਹਮਾਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ये ग्रीन टी पड़ी है ना पीछे? जी, काजू किलो का लगाया रेट। जी जी, जट तोरा मेरे सिर च तो मजी है, मैं नहीं जगना। मेरा भी 3 किलो समान, सॉरी ब्लाउज भाई, शर्ट दसो महीना में। अबे चल तो सही, चल ना, मैं चल जावा। मैं अरे चल, शर्त लगाओ। कितना का वेट होगा? शर्त लगाओ। कितना का वेट होगा? 10 किलो भी नहीं। शर्त लगाओ, हर चीज में शर्त लगाना लाजमी होती है। 10 किलो भी नहीं है जैकेट का। यार मैं आंगो जावा, ये बोला है यूलिया जा, पट पंगला भी कम करदा रे ओ जट, बाहुबली लगाना ला।